जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जीमेल और ईमेल में क्या अंतर होती है। देखिए बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि जीमेल और ईमेल में कुछ अंतर भी होता है। बहुत लोग दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन बाबू आप लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जीमेल और ईमेल में क्या अंतर होती है। इसको समझने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि जीमेल और ईमेल का जरूरत ही क्यों पड़ा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जीमेल का पूरा नाम जानने की कोशिश करेंगे कि जीमेल का पूरा नाम जो है जी फॉर क्या आता है गूगल, और मेल फॉर क्या आता है यहाँ पर उसे कुछ नहीं आता है। मेल का हिंदी मीनिंग होता है संदेश, यानी कि किसी को कुछ भेजना, कोई पत्र वगैरह भेजना, तो उस प्रकार का हो जाता है इसको मेल। तो यहाँ पर जीमेल का जो पूरा नाम आता है वो हो गया गूगल मेल। यानी कि अब इसको अगर हम लोग अच्छा से देख ले तो मतलब क्या है, ये एक ऐप है जिसे गूगल कंपनी ने मिलकर बनाया है। तो देखो गूगल कंपनी जो है ना बहुत होशियार है, इन्होंने क्या किया ना, लोगों का जैसे जैसे डिमांड देखते गया वैसे वैसे इन्होंने ऐप बनाते गया। जैसे देखो आजकल हम लोग अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं किसमें देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं। कुछ भी सर्च करना है तो किसमें करेंगे, गूगल में करेंगे। इसी प्रकार से गूगल ने हर एक तरीके के जो भी इंसान डेली लाइफ में यूज करता है ना उन सभी चीजों का ऐप बनाकर रख दिया है। अगर हार्ट बीट भी चेक करना ना तो गूगल ने वो भी बना दिया है। यानी कि हर एक चीज किसने बना दिया है, गूगल ने। तो गूगल बहुत ही स्मार्ट है, इन्होंने क्या किया गूगल मेल बना दिया और इसको इतना ज्यादा चलाया, इतना ज्यादा चलाया कि लोगों को अपना गूगल मेल नहीं बोलने लगा है, उसको क्या बोलते हैं जीमेल। और लोगों के दिमाग में ना यही बैठ गया है कि अगर किसी को मेल भेजना तो किसमें भेजना है, जीमेल में। तो एक्चुअल में हम लोग जीमेल एप्लीकेशन का यूज करते हैं मेल भेजने के लिए। चलो मैं बताता हूं। देखो तो यहां पर आ गया ईमेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, वैसा कोई भी डिवाइस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हो गया कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट, कोई भी इस प्रकार का डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, संदेश को भेज सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ईमेल। अब देखो पहले क्या था, हम लोग मेल भेजते थे कैसे, डाक के जरिए, यानी कि बाय पोस्ट किसी को दे के भेज देते थे या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते थे, वो चल जाता था 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर चल जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आविष्कार हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब जब आ गया तो लोग अब क्या करने लगा ना, देखो अब उसमें जो डाक सेवाएं होता था उसमें 4 5 दिन 6 7 दिन या 10 15 दिन भी लग जाता था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आने लगा तो अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या करने लगे, मैसेज यानी संदेश को चुटकियों में 2 5 सेकंड 10 सेकंड या 1 2 मिनट के अंदर भेज सकते थे, जिससे लोगों का समय भी व्यस्त था और टाइमली जो संदेश है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाता था, जिनको भेजना था वहां तक पहुंच जाता था और कोई गड़बड़ी नहीं होता था और रिप्लाई भी तुरंत आ जाता था, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो पॉपुलर हो रहा है, लेकिन एक ऐसा ऐप भी तो होना चाहिए। देखो हम लोग तो समझ गए कि मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर द्वारा यानी किसी भी डिवाइस द्वारा हम लोग भेजेंगे तो ईमेल हो जाएगा, लेकिन भेजने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे अगर हम लोग को अगर बात करना है तो कॉल आता है ना वहां पर, अगर हमको चैट करना है तो व्हाट्सएप चाहिए ना, अगर व्हाट्सएप नहीं होगा तो चैट कर पाएंगे नहीं, अगर ये वीडियो देखना है तो यूट्यूब चाहिए ना, तो सेम इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए जैसे यूट्यूब चाहिए होगा, फोटो खींचने के लिए कैमरा चाहिए ना, तो सेम इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मेल को भेजने के लिए कोई ऐप तो होना चाहिए ना। तो इसी चीज का ना गूगल ने फायदा उठाया। गूगल ने देखा कि भाई अब ईमेल ना लोग बहुत ज्यादा भेजेंगे, क्योंकि ईमेल जो है ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही जल्दी लोगों को पहुंच जाता है। तो इसने गूगल ने यहां पर दिमाग लगाया और गूगल ने क्या कर दिया, अपना एक ऐप बना दिया और उसको पहले रखा गूगल मेल। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा नाम क्यों रखना भाई, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इन्होंने गूगल का क्या रख दिया, सिर्फ और सिर्फ जी कर दिया, जी फॉर गूगल और गूगल मेल। इस तरह से दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया, जीमेल, और हर एक मोबाइल में इंस्टॉल करके भेज दिया। देखो जीमेल का पॉपुलर होने के पीछे और एक रीजन क्या है ना, कि जीमेल इतना ज्यादा सिंपल है कि आप इसे एक बार अगर चलाओगे ना तो एक ही बार में आप समझ जाओगे। जीमेल जो है ना अगर क्या है, ये गूगल का प्रोडक्ट है। अगर आप गूगल का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि यूट्यूब यूज करेंगे, गूगल मेल का यूज करेंगे, गूगल पे का यूज करेंगे, या फिर गूगल का कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उसके क्या है, एक ईमेल आईडी। बस एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लो, गूगल का सारा जितना भी प्रोडक्ट है सारा यूज कर सकते हो। मतलब अलग अलग आईडी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, बस एक बार आईडी क्रिएट कर लो तो हो जाएगा। तो लोगों ने क्या किया ना, जैसे यूट्यूब चलाना है या जीमेल भेजना है तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक आईडी चलाया, एक आईडी बनाया। तो जैसे ही एक आईडी बना ना, सारा से वो लिंक हो गया, एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ गया, जिसके वजह से लोगों ने जैसे जीमेल को खोला और जीमेल में बहुत ही सिंपल तरीके से जब उन्होंने भेजना स्टार्ट किया तो लोगों क्या हुआ, ये जीमेल बहुत ही इजी लगने लग गया।
क्योंकि भाई उनके पास सिर्फ एक ही ईमेल आईडी था और एक ही ईमेल आईडी होने की वजह से सभी में सिंक हो गया, तो लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करने लगा और दिमाग में जो है ना ईमेल के जगह पे अब लोगों के मन में क्या आ गया, जीमेल। तो लोगों को लगता है कि भाई हम जीमेल भेज देते, जीमेल में जीमेल कर दो या कोई मेल भेजना तो जीमेल कर दो, ऐसे बोल देता है, लेकिन एक्चुअल में वो ईमेल होता है और हम लोग क्या करते हैं, जीमेल ऐप का यूज करते हैं। इसी के अगर देखा जाए तो जीमेल के बिहाफ में बहुत सारा है, जैसे हॉटमेल हो गया, विंडोज मेल हो गया, इसके बाद और भी बहुत सारा आउटलुक हो गया, इस तरह का और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि जीमेल और ईमेल का जरूरत ही क्यों पड़ा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग का जो डाक सेवा स्टार्ट हुआ था वो 1500 ईस्वी में आया हुआ था, कहां पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले जो है डाक सेवा स्टार्ट किया गया था। अब यहां पर एक चीज क्या दिक्कत था ना कि देखो ये जो डाक सेवा था ना ये तो काफी महंगी हुआ करती थी, नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये डाक सेवा नहीं आया था तो इससे पहले लोग कैसे भेजा करते थे, तो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कौन भेजते थे, जो राजा महाराजा लोग होता था, अपना संदेश को भेजना है किसी दूसरे राज्य में तो वे लोगों के पास घुड़सवारी होता था, वेल ट्रेंड जो जानवर होता है यानी कि कबूतर वगैरह, उनसे वो लोग भेजते थे पत्र वगैरह जिससे कि संदेश भेजा जाता था। लेकिन इसमें एक रिस्क था कि भाई सही इंसान तक पहुंचे तब तो, अगर हो सकता है बीच में ही किसी ने उसको मार दिया, उसका संदेश चुरा लिया या बहुत सारा दिक्कत हो सकता था। तो लोगों ने क्या सोचा कि चलो ये तो सही है लेकिन ये महंगी भी होती थी, एक इंसान को हायर करके रखना, मतलब नॉर्मल लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कुछ भी भेजना हो नहीं कर सकते थे। तो इंग्लैंड में सबसे पहले जो है 1500 ईस्वी में डाक सेवा का स्टार्ट कराया गया था और ये उस टाइम सबको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे 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 इनकी जो पॉपुलरिटी है ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया। और जब इंग्लैंड में ये डाक सेवा काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा तो क्या हुआ ना कि इनको सरकार ने 1840 ईस्वी में अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि सरकार ने अब डाक सेवा को अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद ना ये और ज्यादा पॉपुलर हो गया और सभी लोगों के लिए, देश के सभी लोगों के लिए एक सामान्य पैसा रख दिया गया जिससे कि सभी कोई इसका इस्तेमाल कर सके अपना डाक को भेजने के लिए, ताकि उनके पास अगर कोई भी संदेश हो, कोई मनी ऑर्डर हो या फिर कोई पार्सल हो तो भेज सके, जिसकी वजह से ये जो है इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इस कंसेप्ट को बाकी और भी देशों ने अपनाया और इसी से शुरुआत हुआ था डाक सेवाएं। और आज जो भारत में आप लोग डाक सेवा देख पाते हैं ये इसी का एक देन है, यानी कि इंग्लैंड में, इंग्लैंड की वजह से ही हम लोग के कंट्री में सबसे पहले ये पहुंचा है और आज हम लोग डाक सेवा में बहुत ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है स्टार्ट हुआ था डाक सेवा, लेकिन ये सब क्या था, ये भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। अगर मान लो हम लोग भारत में है और भारत से कोई चीज भेजना है जैसे अमेरिका वगैरह तो टाइम लगता है, लेकिन कोई चीज भेजना है तब, लेकिन कोई अगर संदेश वगैरह भेजना है तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते, ईमेल का। तो इसी के बिहाफ में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब आने लगा तो इंटरनेट की वजह से हम लोग तुरंत इसको भेज पाते थे कुछ ही समय में, जिसकी वजह से ईमेल और ज्यादा पॉपुलर होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी भी बंद हो गया, अगर मान लो हमको कोई पार्सल वगैरह भेजना है या फिर जब आप लोग घर में कोई ज्वाइनिंग लेटर आता है किसी का या किसी का एटीएम कार्ड आता है, कोई सरकारी चीज आता है तो किससे आता है, डाक सेवा से आता है, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा यहाँ पर हम लोग इसको विश्वास मान सकते हैं, क्योंकि इनसे कोई भी चीज को भेजेंगे तो वो अच्छा से जाता है। ठीक है, तो सरकारी काम अभी भी इसी में होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे जीमेल और ईमेल में क्या अंतर होती है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, मैं इस चैनल पर ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।